हेलो स्टूडेंट, अमनेश तावरिया कराटे कोच। आज हम आगे की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको आगे सेक्शन में सिखाया था कि तीन पंच मारना है, ठीक है। ये पहला पंच मैंने आपको सिखाया हुआ था, इसके बाद दूसरा पंच जो था वो आपका फेस लेवल पे था, ठीक है। और तीसरा पंच था वो स्टमक पे था। अब हम उसके आगे ये पंच सीखेंगे, ठीक है। ये तीन पंच के सिवा आपका चौथा जो पंच है वो फेस लेवल पे ऊपर यहाँ पे डाली के भाग में आपको मारना है। उसको क्या करना है, आपको पूरा पीछे को मार खींचेंगे और नीचे से हाथ को आपको ऊपर की लेके जाना है। इससे ये हाथ वापस नीचे आएगा, दूसरा हाथ फिर ऊपर जाएगा, या नीचे आएगा तो दूसरा हाथ ऊपर जाएगा। इस तरह धीरे धीरे आपको स्पिन डालनी है, ठीक है। इस तरह ये आपका चौथा पंच है। ये चारों पंच की आपकी प्रैक्टिस होने के बाद आपको इनके ब्लॉक करना है। ब्लॉक कहने हैं, अगर कोई हमें ये पंच मार रहा हो तो हमें उनसे कैसे बचना है, उसे ब्लॉक बोलते हैं। तो ब्लॉक कैसे करेंगे, तो पहला पंच आपको मैंने सिखाया था फेस लेवल पर मारना, ठीक है। अगर फेस पे अगर कोई हमें नहीं कर रहा है तो उसको रोकने के लिए हमारा जो ब्लॉक है वो आगे ऊपर साइड पर जो ब्लॉक है वो करना है। आपको हाथ ऊपर क्यों ले जाना है, हेड से ऊपर रहेगा हाथ, याद रखना ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना है। आपको क्या सामने हाथ नहीं रखेंगे, दूसरा हाथ आपका यहाँ पे फुल बैक होगा। जब यह हाथ नीचे आएगा तो दूसरा हाथ आपका ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। एक हाथ ऊपर ले जाना है, दूसरा हाथ नीचे की ओर खींचना है और दूसरा हाथ हमेशा पंच के लिए रेडी रखना है। ये नीचे हाथ जाएगा, दूसरा हाथ ऊपर, वो आपको हाथ चेंज करते हुए हाथ ऊपर की ओर ले जाना है, चेंज करना हाथ ऊपर की ओर ले जाना है, ठीक है। इस तरह आपको कंटिन्यू 10 टाइम आपको इस ब्लॉक की प्रैक्टिस करना है। इस ब्लॉक का नाम है आगे उठी, आगे उनकी ब्लॉक का नाम है। इसे 10 टाइम आपको करना है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 याद रखना। 100 में आपको हाथ का स्टमक चेस्ट और फेस तीनों को कवर करते हुए लेके जाना है। 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। इस तरह आपका पूरा बॉडी प्रोटेक्ट कर जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपका जो सेकंड ब्लॉक है वो साइड ब्लॉक है। कोई फेस पे मार रहा हो या कुछ कर रहा हो उसको रोकने के लिए, उसके लिए आपका हाथ नीचे से ऊपर क्यों लेके जाना है, नीचे से हाथ ऊपर क्यों लेके जाना है, इस तरह नीचे से ऊपर, ठीक है। ऊंचे ऊंचे ब्लॉक का नाम है, नीचे से हाथ ऊपर क्यों जाएगा, ऊंचे ऊंचे इस तरह। इसको भी आपको 10 टाइम ब्लॉक की प्रैक्टिस करना है। आपको नीचे से दूसरे हाथ के ऊपर से आपको खींचना है, फिर या नीचे से दूसरे हाथ के ऊपर से आपको कंटिन्यू आपको 10 टाइम की है ब्लॉक की प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपका तीसरा ब्लॉक है और लोअर ब्लॉक है, यानी कि दंड ब्रेक बोलते हैं जापानीज में, से हाथ को ऊपर से नीचे की ओर लाना है। शोल्डर के पास हाथ रखना, आपका शोल्डर से हाथ को नीचे की ओर खींचेंगे इस तरह, ठीक है। ये भी आपको 10 टाइम करना है, हाथ ऊपर से नीचे की ओर। ये आपको 3 ब्लॉक मैंने सिखाए, 4-5 आगे मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड और थर्ड, और जो चौथा ब्लॉक है वो सूर्य ब्लॉक भी बोलते हैं। हाथ को बाहर से, जैसे हम चाटा मारते हैं ना, उसके हाथ को बाहर से अंदर की ओर लाना है। उसे आज सीखा जाएगा, हाथ यहाँ कान के पास से हाथ को ऊपर से सामने की ओर ले जाना है इस तरह, ठीक है। या पर फोर्थ ब्लॉक, या पर 4 ब्लॉक इस तरह करने, चारों ब्लॉक की प्रैक्टिस करेंगे, चारों पंच की प्रैक्टिस करेंगे और हम नेक्स्ट सेक्शन में वापस मिलेंगे।